दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको चिकन करी की तो बहुत सारी आसान आसान रेसिपी बताई है, लेकिन इससे आसान चिकन करी की रेसिपी आपने बिल्कुल भी नहीं देखी होगी, मेरी या ऑनलाइन कहीं पे। इस रेसिपी में मैंने प्रेशर कुकर का खास इस्तेमाल किया है, जिससे कि आपको कटिंग चॉपिंग ना करनी पड़े, इंस्टेंटली सारा काम हो जाए और किचन में खड़ा भी ना होना पड़े। है ना सुनने में कुछ अलग। दोस्तों, आप ये बना कर देखना, रिजल्ट की गारंटी है, क्योंकि ये सच में इसमें आपकी मेहनत कम है और कुकर की मेहनत ज्यादा है। तो फिर देर किस बात की, चलो फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें प्याज को चॉप करना है। 6 प्याज मैंने यहाँ पर लिए हैं 1 किलो चिकन के हिसाब से। और प्याज देखकर आप पहले ही सोच चुके होंगे कि भैया आपको आंसू ही आने वाले हैं, लेकिन इस रेसिपी में मैंने आपको जैसे बोला कि मेहनत ना के बराबर है। तो आपने क्या करना है कि आप रूट निकाल देना प्याज की, प्याज को हाफ करना, फिर उसका हाफ करना और फिर उसका हाफ कर देना। बस इतना ही आपने काटना है, ना ज्यादा काटने की जरूरत है, ना ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। यानी कि एक प्याज में मुश्किल से आपने 4 कट लगाने हैं और एकदम प्यासा काम भी हो जाएगा। देखा, मेरी खुशी का अंदाजा ही नहीं है। उसके साथ साथ मैंने हरी मिर्चें ली हैं, उनकी बस रूट्स निकाल दी हैं, लहसुन ली है पूरी पूरी, और अदरक को मैंने घिस लिया है। अदरक गलती नहीं है ना, इसलिए आप अदरक को घिस कर ही डालना। और बस यही थी प्रिपरेशन, फटाफट से चलते हैं कुकर में। मैंने आपको बोला कि कुकर का फुल 2 इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी में। तो आप क्या करना कि आप सरसों के तेल का इस्तेमाल करना सबसे पहले, और कोई तेल प्लीज मत लेना, सरसों के तेल से बेस्ट रिजल्ट आता है। जैसे ही तेल गर्म हो जाए आप गैस को बंद कर देना। सीक्वेंस आप देखना ध्यान से, सबसे पहले आपने लहसुन डालनी है, फिर आप सूखी लाल मिर्चें डाल देना, फिर आप प्याज डालना, और यहाँ पर नमक डालना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि नमक जो है वो यहाँ पर प्याज से पानी निकालने में बहुत मदद करेगा। उसके साथ साथ कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ी सी धनिया की डंठल मैंने ली है, और हरी मिर्चें भी इस टाइम पर डाल दी है और अदरक भी इस टाइम पर डाल दी है। नमक इस रेसिपी में ना 2 पार्ट में डालेंगे, आप यहाँ पर ध्यान देना कब कब डालेंगे। सारी चीजें मैंने मिला दी है, अभी तक गैस ऑफ थी, अब मैंने गैस को ऑन किया है, मीडियम फ्लेम पर रखा है और कुकर का ढक्कन लगा दिया है। और अब आप यहाँ पर एक अच्छी वाली सीटी लगाना, ये खाली वाली सीटी नहीं, अच्छे से सीटी लगनी चाहिए। तो एक सीटी आप लगाना अच्छे से, अगर पहली वाली सीटी स्ट्रांग नहीं आएगी तो 2 सीटी आप लगा देना। और सीटी लगाने के बाद आप गैस को बंद कर देना। अब आप सोच रहे हो कि भरत भाई ये हो क्या रहा है, बनेगा कैसे चिकन करी। आप चिंता मत करो, आप बस प्रेशर कुकर को आराम से ठंडा होने दो। और मैंने क्या किया कि जब तक प्रेशर कुकर ठंडा हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पर चिकन को अच्छे से धो लिया है, और जो बड़े पीसेस होते हैं जैसे कि लेग पीस और थाई का पीस, उसमें मैंने कट लगा दी है ताकि अंदर तक फ्लेवर आ जाए। चिकन में ही आपने सारी चीजें डालनी है, जैसे कि दही, चिकन मसाला। आप कोई भी चिकन मसाला का इस्तेमाल कर सकते हो। मैं जिस चिकन मसाला का इस्तेमाल करूंगा ना, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे दूंगा, ताकि आप भी बिल्कुल ऐसा ही चिकन बना पाओ। इसमें नमक डालना मत भूलना, नमक डालना बहुत जरूरी है। जो मैं कह रहा था ना कि 2 बार नमक डलेगा, इस टाइम पर आप नमक जरूर डाल देना। धनिया पाउडर, स्पाइसी वाली लाल मिर्च का पाउडर और जीरा पाउडर आप चिकन में ये सारी मैरिनेशन अच्छे से लगा देना, और इसको रेस्ट करने के लिए छोड़ देना जितनी देर भी, 5-10 मिनट। और इतनी देर में जब तक आप मैरिनेशन में रखोगे चिकन को, तब तक आपका प्रेशर कुकर भी पूरी तरीके से ठंडा हो चुका होगा। देखा क्या बढ़िया मल्टीटास्किंग करी है, कुकर खोल के दिखाऊं आपको। आप ये सोच रहे हो कि भरत भाई प्रेशर कुकर में बिना पानी डाले ऐसे ही सीटी लगा दी, कहीं ऐसे तो नहीं कि प्याज जल जाएंगे या कुछ प्रेशर कुकर का हो जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि प्याज में अपने आप ही बहुत पानी होता है। हमने यहाँ पर नमक भी डाला है वो पानी को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और तो और हमने तेल की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रखी है जिससे कि प्याज को फुल सपोर्ट मिले और वो अच्छे से गल जाए। अगर आपको तेल थोड़ा ज्यादा लगता है तो आप एंड में निकाल सकते हो और उसको एज रोगन यूज कर सकते हो कोई भी और रेसिपी में। अभी आप ये देखो कि प्याज की क्या हालत हुई है, प्याज इतने अच्छे से गल चुके हैं कि उनको हल्का सा आप चलाओगे ना पूरा पेस्ट बन जाएगा। ये हुई ना कुछ बात दोस्तों। आप एक लेडल लेना जिसके पीछे ऐसी शेप हो, ताकि हम प्याज को हल्का सा घुमाए ना तो पूरे मैश हो जाए। पानी बहुत है यहाँ पर प्याज में, तो ये सारा पानी आपने अब उड़ाना है। तो अब गैस को मीडियम फ्लेम पर रखना और यहाँ पर पकाना शुरू करना। आप खुद ही नोटिस करना कि जैसे जैसे ये प्याज पकते जाएंगे वैसे वैसे ही ये बिल्कुल पेस्ट बन जाएंगे। तो अगर बैचलर हो आप, तो
आपको मिक्सी की कोई जरूरत नहीं है, ना आपको कटिंग चॉपिंग की जरूरत है, ना आपको मेहनत करने की जरूरत है। जो रेसिपी की मेन भुनाई है वो यही है कि अब जो हम प्याज को भुनेंगे, अगर आपको लग रहा है कि यार यहाँ पर प्याज का तो फ्लेवर नहीं आएगा क्योंकि हमने प्याज को भुना नहीं है, तो दोस्तों उसका ध्यान मैंने ऐसे दिया है कि मैंने यहाँ पर सरसों के तेल का इस्तेमाल किया है और सरसों का तेल थोड़ा शार्प होता है और मसाले यहाँ पर बैलेंस सही बिठाया है, जिसकी वजह से आपको प्याज को ऐसे भुनने की जरूरत नहीं है, चिकन में फ्लेवर बहुत बढ़िया आएगा। मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेंगे और आप खुद ही देखना 5 मिनट बाद तेल ऊपर आने लग जाएगा और प्याज पूरी तरीके से गल जाएंगे, इतनी स्पीड में काम होगा दोस्तों 5 मिनट में ही। अब आप यहाँ पर डालना चिकन के पीसेस जो हमने मैरिनेट करके रखे थे वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना और अब आपने चिकन को थोड़ा सा भुनना है क्योंकि इसमें दही भी है, मसाले भी हैं, तो मसालों को दही को अच्छे से आप भुनना जरूर। अगर आपको लग रहा है कि पकाते हुए दही फट सकती है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि हमने दही में भर कर मसाले डाले हैं फुल सपोर्ट देने के लिए ताकि दही बिल्कुल भी ना फटे। आप 5 मिनट तक अच्छे से भून लेना चिकन को और जैसे ही चिकन का कलर पिंक से व्हाइटिश हो जाए और तेल ऊपर आने लग जाए उस स्टेज पर आप यहाँ पर गरम मसाला डालना और भर कर कसूरी मेथी डाल देना। सारी चीजों को अब आप अच्छे से मिलाना। प्याज कहाँ था, कहाँ है, आप खुद ही देख सकते हो दोस्तों, है ना बहुत यूनिक रेसिपी। तो मेरी इसी मेहनत के लिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो। बस आपने 1 कप तक पानी डालना है, प्रेशर कुकर का ढक्कन लगाना है और 1 से 2 सीटी लगानी है। मैंने यहाँ पर 2 सीटी लगाई ताकि चिकन बहुत ही सॉफ्ट निकल कर आए, पर 1 सीटी में भी काम आराम से हो जाता है मीडियम फ्लेम पर। तो 2 सीटी बाद मैंने गैस को बंद कर दिया था, प्रेशर कुकर को पूरी तरीके से अपने आप ठंडा होने दिया है। फिर जब आप ढक्कन खोलोगे तो दोस्तों ऐसी चिकन करी आपको मिलेगी। इजी है, इंस्टेंट है, मेहनत की कोई जरूरत नहीं है और कुकर का साथ पूरा है इस रेसिपी में। दोस्तों ये ग्रेवी जब आप कुकर से खोलोगे तब थोड़ी पतली होगी, लेकिन विद टाइम ध्यान रखना कि थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी अपने आप ही जब थोड़ी सेट होगी। और अगर आपको कोई भी डाउट है कि चिकन गला है नहीं गला, मैंने क्यों बोला कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 100% सक्सेसफुल है, वो इसलिए है भाई प्रेशर कुकर में बनाया है, हर एक पीस हड्डी से बिल्कुल अलग निकल कर आएगा। ये होगी ना कुछ बात दोस्तों, अगर आप बिगिनर हो, लर्नर हो, या बैचलर हो, या प्रो शेफ हो, आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राई करके देखना, आपको बहुत पसंद आएगी और इस वीडियो का आप जरूर लाइक करके जाओगे। मिलते हैं दोस्तों आपसे बहुत जल्द एक और वीडियो के साथ। ये तो हो गई सबसे इजी बैचलर वाली चिकन करी, लेकिन अगर आपको बैचलर वाली चिकन बिरयानी देखनी है तो आप ये वीडियो जरूर देखना, आपके बहुत काम आएगी और बहुत इजीली बन जाएगी।